السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفاء وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين خبيكم محترم ديني وإصلاح هايو نوجوان ساتيو بزرگو शरीयत इस्लामिया हमसे और आप से एक ऐसे समाज और माशरे की तश्ील चाहती है कि जो माशरा फसाद बिगाड़ इख्तराक़ से ख़ाली हो उसमें इतिहाद हो भाईचारगी हो और एक दूसरे से लोगों का ताल्लुकात जो है उनके ताल्लुक मज़बूत से मजबूतर हों इसके लिए मेरे भाइयों शरीयत इस्लामिया ने हमें और आपको कुछ तालीमात दी हैं और हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती है उनमें से एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हम जब भी आपस में दो मोमिन दो मुसलमान को इख्तलाफ़ में पाएँ लड़ाई झगड़े में पाएँ या किसी मसले में उनको उलझते हुए पाएँ तो फिर हमारी एक ज़िम्मेदारी और एक मोमिनाना सोच एक मोमिनाना किरदार ये होना चाहिए कि हम फ़ौर जो है उन दोनों के दरमियान सुलह कराएँ क्योंकि एक मोमिन मोमिन का भाई है कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तेरावत की है उसमें अल्लाह रब्ज़त ने मोमिन का मोमिन से रिश्ता बताया है कि भाई भाई हैं और ये भाईचारगी कैसे बाकी रहे कि अगर कभी कोई इख्तलाफ हो जाए कोई झगड़ा कोई अनबन हो जाए तो एक मोमिन की ज़िम्मेदारी यह है जो तीसरे लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी यह है कि उनके इख्तलाफ़ को दबाएँ उनके लड़ाई झगड़े में क्या है उनकी सुलह कराएँ आपस में उनको मिलएँ जोड़ें इख्तलाफ को ख़त्म करें इसलिए कि मेरे भाइयों सुलह में खैर और भलाई है ये इस्लाम की तालीम है सुलह में क्या है खैर और भलाई है यह किसी भी इख्तलाफ से निकलने का किसी भी लड़ाई और झगड़े से निकलने का जो सुलह का जो रास्ता है ना वो बाज़्ज़त रास्ता है आप अगर चाहते हैं कि किसी भी इख्तलाफ से लड़ाई झगड़े से आप निकलें बात होकर तो आप सुलह कर लें बल्कि इस्लाम की तालीम इस हद तक है कि नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के नबी ने उस शख्स को जन्नत में घर की बशारत दी कि शख्स को जो शख्स फसाद लड़ाई झगड़े से बचने के लिए क्या है सुलह कर लेता है अपने हक़ से ख़ुद को महरूम कर लेता है हक़ से महरूम हो जाना उसको गवारा है लेकिन वो फसाद नहीं चाहता वो वाशरे को बिगाड़ना नहीं चाहता वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता इसलिए उसको क्या करता अपने हक़ से ख़ुद को महरूम कर लेता ऐसे शख्स को नबी करीम सलातम ने जन्नत में घर की बशारत दी तो मेरे भाई ये सुलह करना और कराना ये बहुत बड़ा काम है इतना बड़ा ये इतनी अजीम सिफत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ललकद्दाबलि युसलिखबेन्नास वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए जो लोगों के दरमियान से इतराफ़ को लड़ाई झगड़े को फसाद को ख़त्म करने के लिए झूठ बोलता है क्या मतलब हुआ यानी दो लोगों के दरमियान इख्तराफ हो गया झगड़ा हो गया अब एक के पास जाकर वो कहता है कि दूसरा तो आपके सामने वाला तो आपकी बड़ी तारीफ़ करता है आपके के उसकी ये राय है अच्छी राय है आपके तालुक से मुबत सोचता है दूसरे के पास जाके बोले कि पहला तो आपके बारे में अच्छी राय रखता रह भाई आपके बारे में अच्छी सोच रखता है ऐसे ऐसी आपकी तारीफ़ कर रहा था यानी झूठ बोलकर दोनों को मिलाए चाहे वह अख्तलाफ मियाँ बीवी के दरमियान हो चाहे वह अख्तलाफ दो ख़ानदान के दरमिया हो चाहे वह अख्तलाफ दो रिश्तेदारों के दरमियान हो तो ये एक मोमिन की सोच होती है ये मोमिनाना सोच है मेरे भाइयों इसके बरखिलाफ़ शैतान और उसकी ज़रूरीत की सोच ये होती है कि इख्लाफ पैदा किया जाए जुदाई डाली जाए आ, अगर कोई शख्स ऐसा करता है आ, लड़ाता है भिड़ाता है इत्तेहाद व इतहादाक़ मिलाने के बजाय जुदाई पैदा करने की कोशिश कर तो आप यकीन माने कि वो शैतान और उसकी ज़रूरीत का जो मिशन और हदफ है वो क्या है उसको आगे बढ़ाना है तो सुलह कराने का जज्बा और मिजाज पैदा कीजिए अगर एक अच्छा मुआरह हम चाहते हैं जिसमें इतिहाद और भाईचार की ऐसा माशरा समाज चाहते हैं तो मेरे भाइयों हर आदमी की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सुलह कराए सुलह कराना मेरे भाइयों ये कितना बड़ा काम है और कितनी अजीम सिफत है कि नबी करीम सलात वाम की ज़िंदगी और सीरत साहब को मालूम हो जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमाज बामत का अहतमाम किस कदर था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं एक आदमी को इमामत के लिए खड़ा करूं और कुछ लोगों को कहूं कि लकड़ियाँ इकट्ठा करें और लकड़ियाँ इकट्ठा करके मैं उस शख्स के घर को आग लगा जो तो घर में बैठा हुआ है और मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आता है यह अहतमाम जंग जैसी गैर गैरमूली सूरत हाल में जंग हो रहा है जंग जैसी गैर मामूली सूरत हाल में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बात का अहतमाम किया जमात के साथ नमाज़ पढ़ा आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं चल नहीं सकते ख़ुद लेकिन नमाज बाजत के लिए आपने दो लोगों का सहारा लिया और मस्जिद में हाजिर हुए किस लिए जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए लेकिन मैं बताऊँ सही बुखारी की हदीस है सही मुस्लिम की हदीस है कि एक दफ़ा एक कबीला बनी आम्र बिन औफ़ के कुछ लोगों के दरमियान इख्तलाफ़ हुआ लड़ाई और झगड़ा हो गया नबी करीम सलात वाम को ख़बर पहुँची अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया सहाबा को लिया और फ़ौर वहाँ पहुँच गए जबकि वो नमाज़ का वक्त हो गया था नमाज का वक्त हो गया है हज़रत बिला रजी अल्लाह नबी करीम करीमर सलातम का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी अभी आएँगे और इमामत करेंगे इंतज़ार करके जब थक गए तो फिर आपने क्या किया अज़ान दी और अज़ान देने के बाद भी नबी करीम सलात वाम का इंतज़ार किया कि अभी तशरीफ़ लाएंगे अल्लाह के नबी नहीं आए उसके बाद हजरत बिला रजी अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजीलाम के पास गए और कहा कि अल्लाह के नबी अभी तक नहीं आए हैं कि आप इमामत करेंगे हजरत अबू बकर रज़ी रजील का ठीक है नबी करीमल सलाम नहीं आए तो मैं कर देता हूँ तो बताइए अल्लाह के नबी सल्ह वसम मस्जिद में नहीं थे जमात का वक्त हो चुका है नमाज से वक्त हो चुका है जबकि आपकी ज़िंदगी के अंदर नमाज बा जमात का इस क़दर एहतमाम था और आपने ऐसा क्यों किया मालूम है क्यों किया सुलह कराने के लिए किया सुलह कराने के लिए उस वक्त आपने ये नमाज बा जमात का जो है क्या है उसको नज़रअंदाज कर दिया आपने तो मेरे भाई ये सुलह कराना ये बहुत बड़ा काम है हमें से हर आदमी की जिम्मेदारी है कि हम क्या है जब भी कोई इख्तलाफ हो हमारे यहाँ देखिए शरीयत ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग लड़ाने के लिए झूठ बोलते हैं लड़ाने के लिए झूठ बोलेंगे लेकिन जोड़ने के लिए झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे भाई ये रवैया जो है लड़ाने भिड़ाने का आग लगाने का इतलाफ़ को बढ़ाने का ये शैतानी अमल है एक मोमिनाना किरदार ये है कि वो लड़ाई को दबाए वो सुलह कराए और ये जो है क्या है लोगों के दरमियान इतफाक़ इतहा की भाईचारगी की तालीम दे ये एक मोमिन का किरदार होता है ये एक मोमिनाना सोच होती है अल्लाह तारा मुझको और आपको जो है कहने सुनने सुन स तोफ़ी क़़ा फ़रमाए आमिन वरह वा